न्यू यूट्यूब वीडियो यहाँ पे पॉपट गाइज गाइज ये वो जगह है जहाँ पे हमारी एंगेजमेंट हुई थी। मिस्टर एंड मिसेस पंघाल, ये पूरा सन्नाटा है पार्क में भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। और आज हम आए थे घूमने सुल्तानपुर लेक, बट हमारे साथ हो गए यहाँ पे पोपट। क्या पोपट हुआ वो आपको बाद में देखने को मिलेगा, अभी थोड़ा सा हम घूम लेते हैं। ये देखो बंटे तो पूरा अपना काम झाम लेके आई थी, कहीं कुरकुरे लेज, वो क्या था, मटर, कोल्ड ड्रिंक, अपना पूरा सब कुछ बंदोबस्त करके आए थे। नारियल की टॉफी मैंने खा ली, बट हमारे साथ हो गया पोपट। अभी हम घूम लेते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ देखने का है, करते हैं स्टार्ट। ओनली पार्क ओपन है, लेक अगर देखने आओ तो मत आना, लेक बंद हुई हुई है अभी, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको अक्टूबर 23 तक बंद किया हुआ है। तो अगर कोई प्लान कर रहा है सुल्तानपुर लेक घूमने के लिए अभी छुट्टियों में, मत आना, बंद। हमें तो काम था शुक्र है इस साइड, इसलिए आए थे, आते टाइम ऐसे ही स्पेशल नहीं आए थे। तो चलो अब घूम लेते हैं, पार्क दिखाते हैं आपको, यहाँ का पार्क भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। दोपहर का टाइम है गाइस, 3:15 हो गई है, तो इसलिए पूरा सन्नाटा है पार्क में भी। कुछ लोग आए होंगे, गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, पता नहीं अभी सब यहाँ पे रूम फैसिलिटी है कि आप रूम लेके रह सकते हैं, तो मे भी सब अपने अंदर घुसे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखो, ये गाड़ी एक ये खड़ी, एक वो खड़ी, गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। ये रूम है कि क्वार्टर हैं पता नहीं, पर रूम लिखा हुआ है, बाहर के रूम मिलते हैं। और ये देखो यहाँ पे लाइट हाउस, ये देखिए बंटी यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, क्योंकि हमें सुल्तानपुर लेक तो बंद मिली, फिर हम गए बैंक में, अब आ गए शॉपिंग करने। अच्छा लग रहा है, ये साइज छोटा ले लो, एक साइज, एक दूसरा वो ला रहा है ना मीडियम। अभी हम हैं रेड टेप में सेक्टर 14, और यहाँ पे बंटी कर रही हैं शॉपिंग, काफ़ी अच्छी अच्छी आए हुए हैं कपड़े। अभी हो रही है हमारी बिलिंग, देखो कितने का बिल बनता है, लंबा चौड़ा ही बनेगा। खुद भी तो लिया है आपने, आपके लिए ही लिया है। हनी करवा रहे हैं बिलिंग, देखो हनी, अभी हम आए हैं हल्दीराम में। और अरे आप तो जा रहे थे, और बंटी कहीं जा रही थी, बंटी को जगह नहीं मिली। गाइज गाइज ये वो जगह है जहाँ पे हमारी एंगेजमेंट हुई थी, ये बताया आप नहीं? अरे ये वो जगह है जहाँ पे हमारी एंगेजमेंट हुई थी, हल्दीराम सेक्टर 14। इस जगह को कैसे भूल सकते हैं, भूल गए थे, रिमाइंडर आया है। अरे ब्लॉग में बताना भूल गया था, वैसे तो मेरे को पता ही है, जाते टाइम नहीं कह रहा था मैं जब यहाँ से गए थे, इस जगह को नहीं भूल सकते। हल्दीराम सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है हमने हल्दीराम में बिफोर मैरिज, बट वो यहाँ नहीं आते, तब MGF जाते हैं। हाँ तब वो MGF में जाते थे, ये तो ओपन भी तो तभी हुआ था, जैसे जब हमारी एंगेजमेंट उसके 3-4 दिन पहले ही ओपन हुआ। हाँ हमारे लिए ओपन हुआ था, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे कितनी भीड़ होने लग गई, यहाँ पे आप आइटम ऑर्डर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसका सीटिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, बैठने के लायक है। कुछ ऑर्डर कर लो खड़े, अभी आ गए हैं हम हमारी फेवरेट मार्केट में, मतलब मार्केट गली कुछ भी लगा लो, पहले यहीं रहते थे। जब मैं जॉब छोड़ दूंगी ना तो मैं इसी गली में रहने लगती हूँ। यहाँ क्यों रहोगे फिर, अच्छी जगह जाएंगे। हनी मुझे इडली खानी है। इडली खा लो, चलो इडली खा लेते हैं। कैंसिल करवा दिया प्रोग्राम मैंने बंटी का, बोला और अच्छी जगह खिलाऊं। साउथ इंडियन पे, साउथ स्टोर, साउथ स्टोर। आज वहाँ पे लोगे आप, इडली सांभर भरपेट, अनलिमिटेड सांभर मिलता है वहाँ। मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ ये वाले, कितनी भीड़ भड़ाका है, ये देखो आप कितनी भीड़ है इस मार्केट में। ये बंटी को अच्छी लगती है ऐसी मार्केट, पता नहीं क्या ही अच्छा लगता है बंटी को इसमें, क्योंकि मैं यहाँ
चार साल रही हूँ। अच्छा, आपका ज्यादातर टाइम यहीं गुजरा है? आपका हाथ पकड़ के इसी गली में घूमते। यही हैं वो गलियाँ, कैसे भूल सकते हैं, इतनी भीड़ी गली में तो हाथ पकड़ के निकला जा सकता है भाई। एप्पल ले लो, मुझे एप्पल ले लो, आम ले लो, यहाँ पे ये चीज़ सही है, सब कुछ मिल जाता है बढ़िया रेट में। सब्जी लो, फ्रूट्स लो, गोलगप्पे लो, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो सब मिलता है, सब जो बोलोगे वो मिलेगा, है ना, और उचित रेट में मिलता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, बारिश का मौसम हो गया। ये देखो दिल्ली चाट भंडार। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए और सुबह निकले थे, बहुत बुरी आदत हो गई, पहले सुल्तानपुर लेक देखने गए, नहीं देखी, पार्क था वो भी कुछ खास नहीं लगा, तो बंटी वहाँ से भी ले आए, फिर गए सेक्टर 14 बैंक में, फिर बैंक का काम हो गया आज, बैंक का काम तो हो गया, फिर वो भुट्टा खाने, फिर भुट्टा खाया, नहीं भुट्टा तो रास्ते में खाया था, नहीं बैंक के बाद, उसके बाद मन कर रहा था लेकिन फिर मैंने खाया नहीं सेक्टर 14। बैंक के बाद कहाँ गए? बैंक के बाद शॉपिंग करने, और आज फिर अच्छी खासी शॉपिंग कर ली बंटे ने, पूरी कसर निकाल दी, उससे अच्छा तो मैं उस दिन वाउचर ले जाता थर्सडे वाले दिन तो बच जाता। नहीं अच्छे नहीं थे कपड़े, कपड़े तो अच्छे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या शॉपिंग की है, और हमने खाना खा लिया है आके, उसके बाद ही हम ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग, क्योंकि आते ही भूख लग रही थी, पहले खाना खाया घर पे ही, और लेट हो रहे थे, घर पे ही बना के खाया। आई नो भाई, घर पे ही खाया, घर पे ही बनाया, कोई ये नहीं कहेगा बाहर खा के आइए बंटे, और सच में ही घर खाया है, मजाक नहीं कर रहा। अभी दिखाता हूँ आपको बंटे की शॉपिंग, ये देखिए, सबसे पहले दिखाइए आप, ये एक वो है जॉगर जो बंटे ने लिया, और एक ये टी शर्ट है, वाइट कलर की टी शर्ट है जिसका एम आर पी है, ये देखो ये टी शर्ट है, इसका फाइनल लुक, दूसरी सेकंड, ये सेकंड टी शर्ट देखो, दो दो और एक जॉगर हो गया तीन, एक और टी शर्ट चार, और एक से एक बढ़िया, बस अब रेड टेप के चार कपड़े आप लाए हो, मतलब आपको शर्म नहीं आई इतना खर्चा करवाते हुए मेरा? बहुत दिन में लाए। कैसा फील कर रहे हो शॉपिंग करने के बाद जरा बताइए? बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो भाई रेड टेप के कपड़े पहनते बनते बढ़िया है भाई, पहनो, हम पहनते हैं ट्रेंड के, रिलायंस ट्रेंड के सस्ते कपड़े, रिलायंस ट्रेंड इससे भी महंगा है। महंगा है, रेड टेप सबको पता कितना महंगा है, रेड टेप महंगा, लेकिन रिलायंस ट्रेंड भी इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेड टेप उससे ज्यादा महंगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन। तो गाइस आज का ये एक्सपेंसिव ब्लॉग बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव ब्लॉग, काफी खर्चा करवाया बंटे ने, सुबह से घुमा रही है गाड़ी में, शॉपिंग भी करके आ गई अपनी, मेरा कोई मन नहीं था, हनी ने जबरदस्ती दिलवाए हैं, ऐसा कुछ नहीं, और ठीक है मैं तो नहीं लेती, मैं तो बेचारी मान जाती हूँ, बेचारी मान जाती है भाई, मान तो जाते हो, ये तो है, मैंने एक बोला था ठीक है, आप खुद ही बोल रहे थे ये भी ले तो ये फिर सही है ना, बार बार जाने से बैठ रहे, एक बार ही अपना क्लियर। चलो यार फिर आज का ये जो ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ गाइस, चलो आप खुश रहने चाहिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और हनी मुझे एक शूज और दिलवा रहे थे लेकिन मैंने हनी का थोड़ा सा बजट को ध्यान देते हुए, वैसे तो मेरे साइज ठीक था लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं मुझे साइज नहीं आ रहा, मुझे छोटा आ रहा है, इसलिए हनी ने बोला कि फिर छोटा तो बाद में बताई थी आपने, बाद में बाहर आने के बाद मैंने बताया हनी को मेरा साइज ठीक था, तब बोले कि चलो अभी की अभी चलो, फिर मैं गई नहीं, फिर ले आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फिर खर्चा हो जाता है इसलिए। ओके ठीक है भाई, ओके आपके बारे में सोचते हो, सोचते हो, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट भी कर लेना, बाय।